नमस्कार, मैं हूं विनय, आपके साथ देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे उत्तराखंड में माननीय कितने सुरक्षित हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की साजिश का पता चलते ही उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप मच गया। ऐसे में भले ही साजिशकर्ता गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन मंत्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस महकमे में और गृह विभाग का रवैया सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि यह मामला 5 तारीख का है, जब मंत्री सौरभ बहुगुणा को उनके शुभचिंतक ने इस मामले की जानकारी दी और मंत्री ने सीएम से इस बारे में आग्रह भी किया है। सीएम के निर्देश के बाद आरोपियों की शुरू हो गई, जिसमें शूटर में से एक को पकड़ भी लिया गया। अभी भी 3 पकड़े नहीं गए हैं। उधर पशुपालन व विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसके पीछे साजिश बताई है और एक बड़े गिरोह का हाथ भी बताया है। कुछ दिन पहले ही पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी बेटे सौरभ के साथ सीएम धामी से मिलने गए थे। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा की यूपी के शूटरों से हत्या कराने की योजना का पर्दाफाश हो गया है। उधम सिंह नगर के SSP मंजुनाथ TC ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का खुलासा कर नगर के नजदीक ग्राम कोटा फॉर्म निवासी हीरा सिंह पुत्र चंबा राम पूर्व में गेहूं चोरी के मामले में जेल गया था। हीरा सिंह अवैध खनन भी करता है, जो अब बंद हो गया था। हीरा सिंह इन सब के पीछे सौरभ बहुगुणा को कसूरवार मानता था और बदला लेने की ठान ली थी। हीरा सिंह जब गेहूं चोरी में जेल में था, उस समय जेल में ही सतनाम सिंह से बात की और उसने जेल के बाहर हरभजन सिंह के साथ अजीज से मिलने को कहा। दोनों से 20 लाख की बात हो गई, जिस पर 5,70,000 एडवांस दिए और बाकी पैसे काम होने के बाद देने की बात हुई। कुछ दिन बाद हीरा सिंह जेल से आने के बाद मंत्री के कार्यक्रमों पर नजर रखने लगा, जिसकी जानकारी मंत्री के साथियों को जब मिली तो उन्होंने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। जब से हीरा सिंह जेल से छूटा, तब से उस पर नजर रखते थे। इस बीच जब मंत्री सितारगंज में 2 अक्टूबर को आए थे, उनके विधानसभा भ्रमण के मध्य कुछ स्थानों पर उसे देखा गया। पुलिस को दी तहरीर में मंत्री के सितारगंज प्रतिनिधि उमा शंकर ने कहा कि मेरे साथी लोग जो मंत्री के पास काम करते हैं, वे उस पर नजर रख रहे थे। इस दौरान मुझे जानकारी हुई कि सतनाम सिंह पेरोल पर आया है, हीरा सिंह उससे मिल रहा है तथा हीरा सिंह ने सतनाम सिंह व उसके दोस्त हरभजन सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद अजीज उर्फ गुड्डू निवासी के किच्छा, जिसके उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ मिलकर अपने षड्यंत्र को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं। तत्काल उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं व इनके साथ अन्य लोग भी षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। अब पुलिस ने हीरा सिंह, सतनाम सिंह, हरभजन सिंह व मोहम्मद अजीज उर्फ गुड्डू के खिलाफ विभिन्न धाराओं में वाद पंजीकृत कर लिया है। जो तहरीर के आधार पर हमने एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच के उनको नुकसान पहुंचाने के संबंध में FIR पंजीकृत किया है। इसमें काफ़ी मतलब रिवीलिंग चीज़ें हमें मिली हैं। काफ़ी पैसा हाथ बदला है और बाहर से कुछ व्यक्तियों को लाने का मतलब प्लानिंग भी चल रहा था। इस संबंध में पूछताछ के बाद जो है हमने 4 लोगों को हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिया गया है। आज जो 4 नाम सामने आए हैं, वो मेरी विधानसभा के एक कोटा बाग के व्यक्ति हैं, हीरा सिंह। उनके साथ कोई एक कैदी था सतनाम, जो जेल में था, जिनके साथ इनकी पूरी बातें हुई। और एक कोई हरभजन है शायद सिरसा के, और एक गुड्डू करके व्यक्ति है, वो भी मेरी विधानसभा का है, गौघाट का रहने वाला है। इन 4 के नाम सामने आए हैं। लेकिन जो घटना मेरे समक्ष 4 तारीख को ये घटना मेरे समक्ष रखी गई थी, और एक मेरे शुभचिंतक हैं सितारगंज में, 12 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे एहतियातन रूप में ये बताया कि इस तरीके से कोई माहौल खड़ा है और आप प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म करके इन लोगों को दबाइए। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड में आए दिन वारदातें हो रही हैं। पहले अंकिता हत्याकांड का मामला सामने आया, वहीं काशीपुर में यूपी पुलिस की मुठभेड़, 1 की मौत, और यही नहीं मंत्री भी सुरक्षित नहीं है, जो राज्य के लिए गंभीर विषय है। आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किस सरकार की है? उत्तराखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई है और यहाँ पर जंगल राज कायम हो चुका है।
इस राज्य के अंदर आप देखिए कि उधमसिंह नगर जनपद में उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर के जो है वारदात को अंजाम देती है और कल जो है एक अन्य व्यक्ति की वहां पर गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। हरिद्वार के अंदर जिस तरह से अंकिता भंडारी की हत्या होती है और पहले वहां पर एक मां बेटी के साथ इस प्रकार बलात्कार की घटना होती है, राज्य में ताबड़तोड़ वारदातें हो रही हैं। प्रदेश के मंत्री सौरभ बहुगुणा को जान का खतरा बताया जा चुका है और उस मामले में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। तो राज्य की कानून व्यवस्था पर जो है बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी पुलिस ये मानती है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में ऐसी घटना नहीं हो सकती। पुलिस का रवैया देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि खुद कैबिनेट मंत्री इस मामले में खासे नाराज हैं। साफ है कि अगर सरकार के मंत्री को सुरक्षा देने में विभाग अभी तक सक्रिय नहीं है तो जनता को कैसे सुरक्षा दी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड। तो एक बड़ा सवाल ये है कि जब माननीय उत्तराखंड के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में जनता की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि पशुपालन व कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा जो है उनकी शूटरों द्वारा और मास्टरमाइंड द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, जिसके पीछे एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मास्टरमाइंड अभी तक फरार बताया जा रहा है और ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आज देवभूमि के दंगल में इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शिषपाल सिंह बिष्ट, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ेंगे और हेमा भंडारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में। और सवाल शुरू करेंगे पीसी थपलियाल जी आपसे, क्योंकि देखिए माननीय जो है वो उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है, इतना बड़ा एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है, और ऐसे में आम जनता कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? देखिए, राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था में जो कमजोर कड़ी थी वो उत्तराखंड पुलिस हमारी सबसे कमजोर कड़ी, यानी जब हमने उत्तराखंड के युवाओं द्वारा पुलिस गठन किया तो उसको पप्पू पुलिस का नाम दिया गया, पहाड़ी बच्चे सीधे साधे, उनको जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनको हैंडलिंग का अनुभव नहीं था। और आगे हमने देखा कि किस तरह से डीजीपी तक इन्वॉल्व हो गया था इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में, किस तरह से पटवारी जो जिसके पास पहाड़ों की कानून व्यवस्था रहती है उस भर्ती में किस तरह से घोटाला हुआ, किस तरह से जब यहां पे हत्याकांड हुआ था जिसमें हमारे 20 पुलिसकर्मी आज भी जेल में हैं, उम्र कैद झेल रहे हैं, वो तमाम चीजें हमारी पुलिस जो नए नए लड़के थे और आगे किस तरह से उनको डिमोनलाइजेशन हुआ और आज भी वो मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए अपने पे ग्रेड के लिए, तो इन तमाम चीजों से लेकर उनके मोरल में जो असर पड़ा उसका असर इसमें दिखाई दे रहा है। अगर हम सौरभ बहुगुणा की बात करते हैं तो सौरभ बहुगुणा को जो हथियारों को जो सुपारी दी गई थी जिनको उनको अरेस्ट करने वाला पुलिस नहीं है उत्तराखंड की, उनका पता करने के लिए पुलिस नहीं है उत्तराखंड की, वो उसी तरह का माफिया होगा जिसका खनन माफिया छीन कर उसको दे दिया गया होगा, वो किसकी रक्षा कर रहा था, क्योंकि दोनों में कंपटीशन रहा, क्योंकि खतरनाक तौर से उत्तराखंड की धरती पे खनन माफियों का, मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तराखंड की राजनीति माफिया परस्त राजनीति हो चुकी है और माफियों के शिकंजे में हमारा उत्तराखंड आ चुका है, इसलिए इस माफिया तंत्र को कमजोर करने के लिए विधायिका का साथ जो पुलिस को चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। हमारी विधायिका माफियों के साथ मिलकर इस राज्य की जो लूट कर रही है वही कारण हमारी सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना है। और अंकिता कांड जैसे और हमारा जो एक लड़का भंडारी जो मिसिंग है जिसपे की सीधा सीधा पुलिस पे आरोप है, तमाम ऐसी घटनाएं हम झेलते रहेंगे और हमारा विवश होकर उत्तराखंड की जनता कुछ नहीं कर सकती, हम क्या करें, क्योंकि इस तरह की राजनीति हमारे आगे पेश कर दी गई है
जिसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है और ना जिसका विकल्प पैदा होने की कगार पे कुछ है। इसलिए इन तमाशों के बीच में हमें जीना पड़ेगा और रहना पड़ेगा और अंकिता कांड जैसे केसों को हमें आगे भी देखता रहना पड़ेगा। ये विश्वास कीजिए, अंकिता कांड में भी देख रहे हैं कि एक माफिया का ही हाथ है, जिस माफिया को भाजपा ने पाल पोस कर इतना बड़ा भस्मासुर बना दिया था कि उसके बेटे ने ऐसा कांड इस देवभूमि की धरती पे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, थपलियाल साहब आपसे बात करेंगे। शिशपाल सिंह बिष्ट जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमी रह गई है? क्योंकि देखिए, जिस हिसाब से ये साजिश की गई है, वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया शूटर को, लेकिन अभी मास्टरमाइंड नहीं गिरफ्तार किया गया है। देखिए विनय जी, राज्य की कानून व्यवस्था पर अगर बात की जाए, आप उत्तराखंड में आज बच्चे बच्चे से पूछ लिए, आम नागरिक भी आज ये समझ रहा है कि इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। मतलब आप मैं क्या कहूँ, बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं। अगर आप आंकड़ों में देखें, कल ही उधम सिंह नगर जनपद में, कल और परसों में लगातार दो वारदातें हुई, दो हत्याएं हो चुकी हैं। एक तो खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस बताई जा रही है जिसने एक हत्या की है, दूसरी हत्या आप देख रहे हैं कल जिस प्रकार से खनन माफिया है उसकी बताई जा रही है। बहुत गंभीर चीजें हैं, जिस प्रकार से हरिद्वार के चीला में उस पर डीजीपी ने एक्शन भी लिया है। शिशपाल, बेटी अंकिता की जिस प्रकार से हत्या हुई, अल्मोड़ा के अंदर एक दलित युवक की जिस प्रकार से पीट पीट करके हत्या की गई, विकास नगर के अंदर एक विवाहिता को जो है जला दिया जाता है, हर्रा वाला में एक दलित युवती की हत्या होती है, विनय जी लंबा सिलसिला है। हत्याएं हैं, बलात्कार हैं, लूटपाट हैं, पता नहीं क्या हो रहा है और पुलिस और प्रशासन ना जाने कहां सोया हुआ है। सरकार समीक्षा करने तक को तैयार नहीं है कानून व्यवस्था की। आप बताइए इस तरह से ये राज्य चलेगा? अब जहां पर राज्य मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्रियों को जान का खतरा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो, तो आम नागरिक की बहन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा इस राज्य के अंदर, आप बताइए? तो ये बहुत गंभीर चीजें हैं, बहुत गंभीर सवाल हैं, बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं विनय जी। ये कानून व्यवस्था अगर इसी प्रकार से चलेगी और एक ये शांत राज्य है, एक शांति प्रिय राज्य है, जो जिसके अंदर इस प्रकार की कभी घटनाएं इक्का दुक्का सुनाई देती थी, आज एक सिलसिला चल पड़ा है कानून व्यवस्था पर जो है, तो ये क्या हो रहा है इस राज्य के अंदर, आप बताइए? सरकार नाम की चीज है कि नहीं है, आप बताइए? पुलिस प्रशासन अगर इस प्रकार से मुख दर्शक बना रहेगा और हत्याएं होंगी, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, देखिए कार्रवाई हो रही है, मान लीजिए लोगों की गिरफ्तारी हो तो जिनकी जान चलेगी वो तो वापस ना आएगी ना, तो आखिर आपकी इंटेलिजेंस कहां सोई हुई है? शासन सत्ता ऐसे थोड़े ना चलती है कि आप सिलसिलेवार यहां पर कांड होंगे। अब यहां पर आप देखिए कि एक राज्य मंत्री है, वो पिरान कलियर में कानून व्यवस्था पे कितना बड़ा सवाल खड़ा किया, ये कोई विपक्ष ने थोड़े नहीं कहा। उन्होंने कहा यहाँ साहब ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, मानव तस्करी यहां पर हो रही है, यहां पर जो है देह व्यापार हो रहा है, और ये लगातार 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां 5.5 सालों से राज्य में, और सरकार को कानों कान खबर नहीं है, सरकार के राज्य मंत्री सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप विपक्ष और जनता आप सोचिए कि किस स्तर से परेशान होगी इस राज्य में। आप विनय जी बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं और कोई सोचने के लिए, समझने के लिए, समीक्षा के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार विधानसभा सत्र की मांग कर रहा है कि भैया यहाँ जो है नौकरियां बेची गई हैं बेरोजगारों की, पेपर पर पेपर लीक हुए हैं, कानून व्यवस्था का आज ये हाल है। विधानसभा सत्र बुलाइए, चर्चा कीजिए, सरकार नहीं सुन रही है। रात दिन राज्यपाल को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। तो विनय जी आप बताइए आखिर हो क्या रहा है इस राज्य में? सवाल खड़े करने वालों पर उल्टे मुकदमे हो रहे हैं, किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, आप उसका भी अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा डाटा यहां पर रख सकता हूं। बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियां नहीं इस राज्य में। इस राज्य में तो राम भरोसे शासन व्यवस्था चल रही है और ये कोई विपक्ष के आरोप नहीं है, ये ऐसे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। जब परिस्थितियां ऐसी हैं तब अगर सवाल है तो सवाल उठेंगे, निश्चित तो सवाल है तो सवाल उठेंगे। शिशपाल जी आपके पास आएंगे। हेमा भंडारी जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, हेमा भंडारी जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो ये सारी चीजें हुई है, साजिश का पर्दाफाश हुआ है और उसके बाद एक शूटर को भी गिरफ्तार किया गया, और कहीं ना कहीं जब माननीयों की सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही, तो आम जनता को कैसे सुरक्षा मिल पाएगी? जी विनय जी, देखिए उत्तराखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे है और भू माफिया राज, खनन माफिया राज, और जो सब कुछ है ना, ये सरकार के ही संरक्षण में फल फूल रहा है।
अब चाहे आप शिक्षा माफिया लीजिए, भू माफिया लीजिए या खनन माफिया लीजिए, तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं बिना सरकार के संरक्षण के जिस तरह से कैसे फल फूल रहे हैं, ये भी ये सोचने विषय है कि ये सरकार का ही संरक्षण है जो इस तरह से लोग फूल रहे हैं। इतना माफिया राज बन चुका है पूरा उत्तराखंड, और यदि सरकार के जो है पूर्व मंत्री का पुत्र भाजपा विधायक ही सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आम जनता जो है सुरक्षित होगी? मतलब सर, इस सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार, माफिया राज जिस तरह से बढ़ रहा है, और आम जन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर आम जन का यही हाल होगा कि देखिए यहाँ पर सरकार की अगर नियत साफ, अगर सरकार की नियत साफ है, तो मैं कहती हूँ कि यूके SSSC घोटाले में और अंकिता हत्याकांड में इन्होंने क्यों नहीं CBI की जांच बिठाई? अगर ये कहते हैं कि नहीं हम तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो CBI की जांच से फिर क्यों डर रहे हैं? और कल ही देखिए काशीपुर में जो है स्टोन क्रेशर के मालिक महक सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो हेमा जी, संरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं, अगर संरक्षण देने की आप बात करें तो उनको तो खुद ही खतरा है, उनके खिलाफ तो खुद ही साजिश रची जा रही थी, उसका तो खुद ही भंडाफोड़ हुआ है। नहीं नहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ लोग तो मिले हैं ना सरकार में, मंत्रियों के बिना संरक्षण के कैसे हो जाएगा? और सरेआम जो भूमाफिया है, तो सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं है। जहां तक SIT का गठन जो किया, कि SIT का गठन, तो उसमें देखिए SIT भी तो सरकार के ही नियंत्रण में आती है, सरकार के अधीन ही है। तो ये इसी सरकार में फल फूल रहा है, और उत्तराखंड में तो इतनी बदकिस्मती है इस उत्तराखंड की, लगातार दो एक के बाद एक जो है कांग्रेस भाजपा राज कर दिया है, लेकिन आज तक देखिए कि उत्तराखंड के लिए कैसे, कहां उत्तराखंड वासियों को सुरक्षा प्रदान की गई? तो यहाँ पर तो इतना है कि सिर्फ अब भाजपा की सरकार में तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, जो बदमाश है वो बेखौफ दिन दहाड़े जो है हत्या करके चले जाते हैं, उन्हें किसी का डर ही नहीं है। मतलब लगातार यहाँ माँ बहन जो बहने हैं अपने आप को सुरक्षित, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, क्योंकि कैसे सुरक्षित महसूस करें? देखिए ये खुद ही इनके मंत्री अपने आप को जब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, पुत्र उनके सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता कैसे महसूस करेगी? इसका इसका जो पूरा जो जाता है श्रेय ये सरकार को जाता है, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इन्होंने बढ़ावा दिया हुआ है, हर माफिया राज को इन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया है कि आज जो है सिर्फ माफिया राज ही पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ है। आम जनता बिल्कुल सहमी हुई डरी हुई है, और जब तक ये आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक उत्तराखंड सरकार जो अपने आप को जीरो टॉलरेंस की सरकार कहती है, जब तक ये अपनी आंखें नहीं खोलेगी, जब तक आम जनता को ये सुरक्षा नहीं दे पाएगी, तो कैसे यहाँ पर हम विश्वास करें कि सरकार उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ सोच रही है? ठीक तो है, ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचारियों की सरकार बन के रह गई है। ठीक है हेमा जी, आपके पास आएंगे बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। जपेंद्र जी, आपने तमाम लोगों की बात की है, जहां पर हेमा जी ने कहा कि संरक्षण देने की बात की, माफिया राज की बात की, और कोई कार्रवाई ना करने की बात भी की, इस ये आरोप लगे। देखिए, हमने शीशपाल जी का भी एक राजनीतिक टच वाला एक भाषण सुना, जिसमें उन्होंने मुद्दों का राजनीतिक करने का बहुत अच्छा प्रयास करा, राजनीतिकरण करने का। लेकिन यहाँ जनता तक ये जानकारी जानी भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता, अपराधी बेनकाब होते हैं, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। आज यही कारण है कि अपराधी पहले भी थे, अपराधी कब कहां कब नहीं थे, अपराधी पहले भी थे, लेकिन पहले राजनीतिक संरक्षण की आड़ में वो अपराधी बच जाते थे, उन अपराधियों के चेहरे सामने नहीं आ पाते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते अपराधियों का बचना नामुमकिन है। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी प्रदेश का नहीं होता, किसी परिवार का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी तरह का अपराध स्वीकार्य नहीं है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें अपना पराये का भी भेद नहीं है, अपराधी अपराधी है, जो अपराध करेगा उसे कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ होनी निश्चित है। तो आज ऐसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां मजबूत है, अपराधी बेनकाब हो रहे हैं,
वो अपना प्रयास करते हैं जब, लेकिन कानून का शिकंजा उनके गिरेबान तक जाके, उनके गिरेबान से पकड़ के सलाखों के पीछे तक पहुंचाने के लिए सक्षम है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री धामी जी इन मुद्दों के ऊपर संजीदा है, और इसी तरह से ये कठोर कार्रवाइयां हो रही है। ठीक है, अब विपक्षी दल नहीं मानेंगे, विपक्षी दल को तो इस तरह की घटनाओं में अपना राजनीतिक मुद्दा ढूंढना है, अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा से सींचने का प्रयास करना है। ठीक है, वो ये भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष इस तरह से करता आया है, और वो विपक्ष नहीं सुधरने वाला, विपक्ष अपना काम करे, आप उसका राजनीतिकरण, अपना राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से सरकार को आप ये दिखाएं कि सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते अपराधी बेनकाब हो रहे हैं और उनके खिलाफ कठोर से कठोर दंडनात्मक कार्रवाइयां हो रही। ठीक है, अब बेनकाब हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से ये साजिश की गई है और गिरफ्तारी हुई है, तो सवाल ये भी तो खड़ा होता है ना कि जब मंत्री जी, विधायक जी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है, तो बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात करेंगे जपेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आएंगे देवभूमि के दंगल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कर रही है प्रयास, पशुपालकों को मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने में सरकार का साथ। प्रदेश के कई जनपदों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आते ही उत्तराखंड सरकार जरूरी कदम उठा रही है। गौवंश पर लंपी स्किन रोग का न पड़े प्रभाव, इसीलिए पशुपालक जरूर करें ये उपाय। पशुओं के बाड़े में मच्छर, काटने वाली मक्खी, जू आदि रोग वाहकों का नियंत्रण करें। पशु आवास और उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रोगग्रस्त होने पर पशु को घर से अलग स्थान पर रखें और किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। रोग से संक्रमित पशुओं की देखभाल करते समय सभी आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों जैसे साबुन एवं सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग करें। रोगी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, हरा चारा, दलिया, गुड़, बांटा आदि खिलाएं। लंपी स्किन रोग होने पर नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी रख रही है। राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 350 से अधिक रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात हैं। लंपी स्किन रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन, अब तक करीब 3.25 लाख से अधिक गौवंश को किया वैक्सीनेट। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8862 जारी। पशुपालकों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबा केसरी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बड़ी मस्त है बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी। इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जिस तरीके से कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश की गई और एक शूटर को भी गिरफ्तार किया गया, वहीं मास्टरमाइंड अभी तक फरार बताया जा रहा है। इस पर हमारे साथ चर्चा में तमाम लोग मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे जपेंद्र जी आपसे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये साजिश की गई है और एक शूटर को गिरफ्तार भी किया गया है, तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब वहां के मंत्री विधायक ही नहीं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आम जनता को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि भाई आप सुरक्षित हैं। नहीं देखिए, यहां हमें दो चीजों को समझना होगा। माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के हैंड से ही ये बिल्कुल सूचना आई, इस तरह की घटना को अंजाम देने की उनके पास सूचना आई।
और निसंदेह इतने बुलंद हौसलों के साथ अपराधी उत्तराखंड खंड के अंदर विचरण करें और ऐसी प्लानिंग करें तो ये तब तो जपेंद्र जी ये तो प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है ना कि जब आप ये बताइए जब उनके द्वारा सूचना प्राप्त होती तो प्रशासन क्या कर रहा है। आप हमारी बात तो पूरी होने दीजिए ना, आप हमारी बात तो पूरी। प्रदेश के अंदर सूचना इकाई अपना काम करती है, LIU है, सारी चीजें हैं, और अगर मंत्री जी से संबंधित कोई ऐसी घटना है तो निश्चित तौर पर उसकी सूचना उन तक जानी थी। और उसके खिलाफ ये भी हम देखिए कि किस तरह से माफिया राज पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगाम लगाने का काम हो रहा है कि अपराधी इतने विचलित हैं कि उनके मन में ये भी ख्याल आ जाता है कि मंत्री को रास्ते से हटा दिया, क्या इसे क्या बच्चों का खेल समझा हुआ है या इसे मजाक समझा हुआ है कि आप ठीक है अपराधी अपने अपराध की सोच के दायरे को अपने हिसाब से चलता है लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून सख्ती से अपना काम करता है और उत्तराखंड की धरती पर सरकार और पुलिस विभाग क्लियर ये मैसेज देने में पूरी तरह से सक्षम है कि उत्तराखंड की धरती पर इस तरह के अपराधियों की अपराधीकरण की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और तमाम अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है। बिल्कुल पीसी थपलियाल साहब, राजनीतिकरण कर रहा है विपक्ष जो है वो काम नहीं करने दे रहा है ठीक से, वो सिर्फ राजनीतिकरण कर रहा है, ऐसा कहना जपेंद्र जी का। जी विपक्ष इस समय उत्तराखंड में बहुत मजबूती हालत में नहीं है जो इनको कटघरे में खड़ा कर सके, लेकिन जहां तक सवाल अगर जो भी घटनाएं हुई जहां पे एक ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी का मन पे गोली लगकर मरना, उत्तर प्रदेश की पुलिस का वहां आना, ये दर्शाता है किस तरह से उसके पक्ष में उत्तराखंड की DIG SP उस एरिया के खड़े हो जाते हैं बुलंद आवाज करके कि देखो कैसे हिम्मत पड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस की आने की। देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस 50,000 के जो इनामी बदमाश की ढूंढ में आई थी और योगी जी के उस अभियान के तहत आई थी जो उत्तर प्रदेश से जिसने माफिया राज को खत्म कर दिया, लेकिन उत्तराखंड पूरे माफिया भाग के उनकी शरण स्थली यहां पे पड़ गई है, इसलिए बेचारी वो लेडी भी मरी क्योंकि बात नहीं कर रही है पुलिस कि माफिया वहां मौजूद था कि नहीं था, इसकी बात नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे आगे आ चुकी है कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड जननी रही है माफियों की, चाहे पोंटीचड्डा ग्रुप का खनन का राम राजय यहां था, चाहे यहां पे उनका शराब की पूरा शिकंजे नेता मैंने खुद अपनी आंखों से देखता आ रहा हूं किस तरह से तमाम जितने अपने DP यादव उन सब यही मत नाम गिनाने में मेरे से बेहतरीन कुमार जपेंद्र जानते हैं कि ये जो उत्तराखंड है ये माफियों की शरण स्थली बन चुकी है, क्योंकि हमारा जो खनन का जो है खनन हमारा सोना उगलता है क्योंकि यही एक स्टेट है जहां पे ईंट बजरी पत्थर मिलता है बाकी रेती रेत मिलता है, इसलिए यहाँ पे सबकी नजर रहती है और जो इधर का बरेली साइड पीलीभीत साइड का जो माफिया है उसकी एंट्री सितारगंज का द्वार है, इसलिए उस एंट्री के द्वार से जब उन्होंने खनन माफिया को बदला होगा, मैं बता रहा हूं इस बात को, और खनन माफिया को बदला होगा बहुगुणा ने क्योंकि वो विधायक रहा है, और उस बदलाव में जो दुश्मनी पैदा हुई है खनन माफियों के बीच में, इसलिए उस खनन माफिया ने इस पे नजर रखी और उसको सूचित तभी नहीं तो पुलिस की बस की नहीं थी इस हत्याकांड को रोकना, ये उस बोल नहीं रहे हो मेरा एक वेल विसर ने सूचना दी है, तो वेल विसर और जो दूसरा ज्येष्ठ प्रमुख का पत्नी की हत्या। थपलियाल साहब वेल विशर से अगर ये सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस महकमे और गृह विभाग पे तो सवाल खड़े होते हैं ना। बिल्कुल है ही नहीं यहाँ, ये भगवान मैं बोला नहीं कि यहाँ पे पुलिस एक बेचारा गरीब भंडारी लड़का गायब हो जाता है उसके बारे में चुप, और वहां पे जेस प्रमुख की वाइफ पे गोली लगी वो DIG SP बारी बारी से खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, अब ऐसा सोच रहे हैं जैसे, लेकिन एक बात उन्होंने बोला होता कि
कि वो 50,000 का इनामी बदमाश कहां था, तो मैं सलूट करता हूं उनको, उनके जवान से नहीं निकला ये बात। इसका मतलब वो माफियों के साथी हैं। देखिए मैं बेबाक बोलने वाला आदमी हूं, ये माफियों के साथी हो चुके हैं, विधायक का और पुलिस और बिल्कुल। थपलियाल साहब आपके पास आएंगे। हेमा जी, हेमा जी, जयपेंद्र जी का कहना है कि कानून के हाथ लंबे हैं, कार्रवाई तो लगातार की जा रही है। जी देखिए विनय जी, मैं बहुत जो है जयपेंद्र जी की बात सुन रही थी और बड़े ही बिल्कुल अपना आपको बिल्कुल 100% सही साबित करके कहा कि हमारे राज्य में जो है कोई भ्रष्टाचार का के लिए कोई जगह नहीं है और ये पकड़े जाएंगे। तो क्यों अंकिता हत्याकांड में क्यों वीआईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आया? देखिए भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, क्यों सबूत मिटा दिए गए? अगर इनके राज में सब कुछ सही होता है, क्यों पुलिस ने सही समय पे कंप्लेन नहीं लिखी? और मुझे तो लगता है कि अगर ये सौरव बहुगुणा जी की बात नहीं होती तो पुलिस प्रशासन जागता नहीं, वो हत्या होने के बाद जागता, तब भागदौड़ करता। लेकिन यहाँ पर सौरव बहुगुणा जी का नाम था, सौरव बहुगुणा जी भाजपा के नेता है और इसीलिए जो है पुलिस प्रशासन जाग गया और अब जाके वो कर रहे। लेकिन अगर किसी और की बात होती, कहीं और आम आदमी की बात होती तो अब तक हत्या हो भी जाती। और इस तरह से जो बात कर रहे हैं कि हाँ हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम तो कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई के नाम पे तो हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच क्यों नहीं बिठाते? जो ये घोटाले हुए हैं, भर्ती घोटाले हुए हैं, यूके SSSC घोटाला हुआ है, अंकिता हत्याकांड में सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? अगर ये इनके मन में कोई चोर नहीं है, अगर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर ये सीबीआई की जांच बिठाते हैं तो, क्योंकि SIT तो इन्हीं के अंडर में आती है, वो तो राज्य सरकार के अधीन है। लेकिन SIT जो सीबीआई की जांच से डरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में चोर है, कहीं ना कहीं इनके जो चाल चरित्र चेहरा है वो सबके सामने ना आ जाए, इसलिए अंकिता हत्याकांड का पूरा खुलासा नहीं हो रहा है, इसलिए वीआईपी गैस का पता नहीं चल रहा है। तो ये इस बात को रहने दें कि ये कहते हैं कि हमारी सरकार में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है और ये पहले की सरकार में हुआ था, पहले से ज्यादा ये अब फल फूलने लगा है और अब बेखौफ दिन दहाड़े जो हत्याएं हो रही हैं, जो चोरियां, जो लूटपाट, वो दिन दहाड़े हो रहा है। अब कोई जो बदमाश है वो रात का भी इंतजार नहीं करते, वो दिन दहाड़े सब करके चले जाते हैं और आए दिन अब अखबार उठा के देख लो तो आज ये हत्या हो गई, आज वो हत्या हो गई, अखबार सिर्फ इसी चीज से भरा रहता है। तो ये किस बेस पे कह सकते हैं कि हाँ हमारे तो सिकंजे बड़े तेज हैं, हमारी तो पकड़ बहुत तेज है, यहाँ तो पुलिस प्रशासन में इतना भी वो नहीं है कि ये सही समय पे कोई रिपोर्ट दर्ज करवा दे, कोई आम आदमी जाएगा और उसकी सही समय पे रिपोर्ट दर्ज हो जाए। ये तो खुद हमारे, मैं यहाँ पर देखती आई हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं ये शिकायत लेके कि उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। तो इतना हो जाता है कि कोई इंसान ही गायब हो गया उसके बारे में पता नहीं चलता है, बस जो मामला उठ गया उसके पीछे जो है। और इनके अपने बंशीधर भगत जी को देखिए, वो तो गालियां देने में लगे रहते हैं हिंदू देवी देवताओं को, उनके तो जवान ही फिसलती रहती है, वो तो महिलाओं का सम्मान करना ही नहीं जानते। तो इनके ना तो इनके यहाँ महिलाओं का सम्मान है और इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ माफिया राज है, गुंडे बदमाशों का राज है। जो फल फूल रहा है वो इसी राज में फल फूल रहा है। बिल्कुल शीशपाल सिंह बिष्ट जी, कानूनी कार्रवाई को लेकर भी अगर बात की जाए तो जो ये वेल विशर बीच में आए हैं, पुलिस महकमे की बात करें या फिर गृह विभाग की बात करें, तो इसको लेकर ये भी सवाल के घेरे में खड़े होते हैं। देखिए विनय जी, उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था का मामला है, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को विस्तार से सुना, उन्होंने कहा है कि मैंने जो है धारा प्रवाह भाषण दिया, लेकिन धारा प्रवाह भाषण की बात नहीं है। आज राज्य के अंदर अगर मैंने एक एक बात कही तो यहाँ राज्य में इतनी घटनाएं हो रही हैं विनय जी कि सिलसिलेवार अगर मैं कहूंगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे हत्याओं का जो है आपको सिलसिलेवार बताने में, इतनी ज्यादा हत्याएं और हालिया घटनाएं हैं। आप बताइए, कह रहे हैं कि यहाँ पर कानून का राज है, बड़े अपराधी जो है धड़ल्ले से जो है बेरोजगारों की नौकरियां बेच देते हैं, पेपर लीक करते हैं, मतलब ये कानून का राज है? दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लगातार एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हत्याएं, ये कानून का राज है? बेटी अंकिता को नहीं बचाया जा सका, 19 साल की मासूम बेटी को, ये मतलब कानून का राज है?
आप बताइए केदार भंडारी 19 साल का मासूम बालक, उसे पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, ये कानून का राज है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब मामला उठता है उसके बाद एक इंस्पेक्टर का तबादला करके पुलिस अपना कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती है। उसके परिजनों को अब हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है न्याय के लिए, मतलब कोर्ट जब कहेगा तब जाके अपराधियों पर कार्रवाई होगी। इस प्रकार यहाँ पर कानून का राज है। आप देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि अभी अल्मोड़ा की मैं एक ईडीएम दिल्ली का करके वहां पर जो है एक मासूम नाबालिग बेटी के साथ क्या कुकृत्य करता है, अब ये कानून के राज में हो रहा है यहाँ पर। और माफियाओं का इस प्रकार यहाँ पर बोलबाला, आज शराब माफिया और खनन माफिया किस कदर हत्याएं हैं, आप खनन में तो देख रहे हैं गैंग वार में हत्याएं हो रही हैं, शराब माफिया का आप यहाँ पर रुद्र रूप देख चुके हैं कि 12 लोग शराब पी करके यहाँ पर चुनाव के दौरान हरिद्वार में मर जाते हैं, शराब और खनन माफियाओं के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन सरकार जो है अपने जो है पीठ थपथपाने का काम करेगी, यहाँ पर कानून का राज है, यहाँ पुलिस प्रशासन का रवैया मैं क्या बोलूं। विनय जी आप कहेंगे डिबेट में राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जो है अपराधियों के फोटो हर जगह आपको मिल जाएंगे, फोटो शूट चल रहा है अपराधियों के साथ। इस प्रकार यहाँ पर कानून का राज्य है, दबे कदम यहाँ पर चर्चाएं हो रही है। आप हर चौक चौराहे पे पूछिए कि फला अधिकारी रिटायर होने वाले साहब वो भाजपा से अगला चुनाव लड़ने वाले हैं, और ये कानून का राज्य में होता है। ठीक है शिष्यपाल जी, ठीक है। व्यवस्था नाम की चीज नहीं है विनय जी, तमाम चीजें हैं। आप ना यहाँ पर बेटियां सुरक्षित हैं, ना यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बेरोजगारों का रोजगार सुरक्षित है। आखिर कैसा कानून का राज है यहाँ पर? आपने चमोली में देखा ना घसियारी महिलाओं के साथ, पुलिस ने क्या किया, मातृशक्ति को अपमानित करने का आप काम कर रहे हैं, ये कानून का राज्य है? मतलब इतनी मैं आपको क्या सिलसिलेवार बताऊं विनय जी। आप देखिए किसी भी क्षेत्र में यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है, यहाँ पर विधि का शासन नहीं है, यहाँ पर आप मनमानी चल रही है, तानाशाही चल रही है और पुलिस प्रशासन एक वर्ग विशेष को खुश करने पे लगा हुआ है और अपने राजनीतिक आकाओं को परिक्रमा पे उनके दिशा निर्देश पे जो छोटा मोटा होता है वो हरकतें कर रहा है। और पहली बार मैंने देखा किसी राज्य में कि पुलिस जो है वो काम कर रही जो अपराधी करते थे, पहले अपराधी जो है सबूत मिटाने का काम करते थे, यहाँ पुलिस सबूत मिटा रही है वीआईपी जो लोगों का। ठीक है शिष्यपाल जी आपके पास आएंगे, शिष्यपाल जी आपके पास आएंगे। कुंवर जपेंद्र सिंह शिष्यपाल जी ने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया, वर्ग विशेष को खुश करने की भी बात कही है और उन्होंने अवैध खनन शराब माफियाओं को भी जिसमें उनकी भी चर्चा की। हमने पहले ही कहा कि शिष्यपाल जी के जो राजनीतिक भाषण के अंदाज में जो डिबेट को आगे ले जाने का जो प्रयास होता है तो इस तरह से इस समस्याओं का हल नहीं निकलता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि अपराधियों को संरक्षण की जगह उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, हमारी बहन ने भी चिंता व्यक्त की, उनके मर्म को हम समझ सकते हैं, लेकिन इतना भी भरोसा होना चाहिए कि आप सरकार की कार्यप्रणाली और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की दृष्टि से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी नजर डालें। होता होगा पहले संरक्षण देती होंगी पहले की सरकारें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट एजेंडा है अपराध और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, उत्तर प्रदेश के साथ रखता है, एनसीआर के साथ रखता है, एक शांत राज्य है और अपराधियों ने समय समय पर इसे अपनी शरण स्थली बनाने का प्रयास करा है, लेकिन उनके वो प्रयास हमारी सूचना इकाइयों की वजह से, हमारी पुलिस की वजह से, हमारी कार्यप्रणाली की वजह से समय समय पर वो विफल हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भरोसा देती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते एक आम जन की जान की सुरक्षा की दृष्टि से भी उतना ही काम होता है और एक वीआईपी की सुरक्षा की दृष्टि से भी उतना ही काम होता है, किसी में कोई भेद नहीं है। अपराध और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा है और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अपने इस एजेंडे को कामयाबी के साथ पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हेमा जी, जब वीआईपी और आम जनता को सुरक्षा की बात है तो इसको लेकर कुंवर जपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ये सबको एक बराबर सुरक्षा व्यवस्था और सबके लिए एक बराबर कानून बना है उत्तराखंड में।
देखिए जपेंद्र जी के माध्यम से, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता हैं और ये एश्योर कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके माध्यम से ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी तक कि अगर हमें, अगर सभी विपक्ष वाले अगर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो सीबीआई की जांच से डरे ना, सीबीआई की जांच करवा दें, क्योंकि हमें अभी भी देखिए अंकिता हत्याकांड में हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सबूत सामने के सामने मिटा दिए गए, लगातार अभी भी आंदोलन चल रहे हैं, पहाड़ों में महिलाएं सड़कों पर हैं और ये कई सालों बाद हुआ है कि पूरे उत्तराखंड की नारियां जागी हैं और ये चुप बैठने वाली नहीं है, तो सीबीआई की जांच बिठा के दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं हो जाता? अगर लगता है सीबीआई बात का जवाब देना चाहेंगे, देखिए बताइए बताइए जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि किसी भी दृष्टि से कहीं पे भी चूक की संभावना नहीं है, अगर हमें आवश्यक लगेगा तो सीबीआई जांच से भी हम, हम, नहीं नहीं देखिए आप पहले हमारी बात पूरी होने दीजिए जपेंद्र जी, सीबीआई की जांच आपको लगने अगर इतनी मांगे उठ रही हैं तो सीबीआई की जांच जरूरी हो जाती है अगर लगता है कि सबूत मिटाए गए हैं पूरे उत्तराखंड को लगता है, लेकिन बात यह है ना आपके नेता, देखिए जपेंद्र भाई जी आपके हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप हमारी बात देखिए, मैं कह रही हूँ आपके नेता सिर्फ खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं इस समय जो है कहाँ से किसको खरीदा जाए, देखिए यहाँ पर उच्च जो चुनाव हुए थे पंचायत चुनाव उसमें भी यही काम हुआ और अब भी लगातार यही काम चल रहा है कि आगे की तैयारी हो रही है कि अगला चुनाव कैसे जीता जाए, कहाँ से किन किन को खरीदा जाए, बात यही चल रही है क्योंकि आम जनता की तरफ ध्यान होगा जपेंद्र भाई जी, बस हमारी मांग है कि सीबीआई अंकिता हत्याकांड में और यूके ट्रिपल एससी में आप सीबीआई सरकार की तरफ से आप ये यकीन मानिए, इस भरोसे पर रहिए कि कोई भी दोषी पक्षा नहीं जाएगा, कोई अपराधी पक्षा नहीं जाएगा। आप देखिएगा जब चार्जशीट फाइल हो गई, जपेंद्र जी मैं साक्ष्य ऐसा नहीं होगा, साक्ष्य मिटाने का काम किया गया, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, मिटा दिए गए, बताइए ना कहीं साक्ष्य मिटा दिए गए, साक्ष्य मिटा दिए गए हैं, अपराधियों के साक्ष्य मिटा दिए गए, पहुंचाना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। तो वीआईपी का अभी तक पता क्यों नहीं चल पाया कि कौन से वीआईपी थे, किसको छुपाने के बाद सरकार इतना ज्यादा जो रिस्क ले रही है, सब पूरे उत्तराखंड की जनता एक तरफ है और सरकार एक तरफ है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, तो क्यों उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा नाम है, नकाब हो गए हैं, किसी को बचाने का प्रयास नहीं, देखिए नहीं अभी चेहरे बेनकाब नहीं हुए, ऐसा लीपापोती की जा रही है जपेंद्र जी, लीपापोती की जा रही है कि ताकि ये जनता के जो गुस्से को इसका जो माल है ना उसको शांत करने के लिए, लेकिन शंका है ये सिर्फ लीपापोती की जा रही है अभी ये केस बंद करने के लिए कि हाँ हमें जो है किसी का भी नाम लेके आप दे दोगे और उसको जनता मान लेगी, सब जनता जानती है कि जिस तरह से सरकार उनको बचाव कर रही है, ये सरकार की तरफ से बचाव हो रहा है, किसी का बचाव नहीं हो रहा, आप निश्चिंत रहे, प्रत्येक अपराधी और प्रत्येक दोषी आपको सलाखों के पीछे मिलेगा, बिठा दीजिए ना, देखिए जपेंद्र भाई जी हम यही तो मांग कर रहे हैं, अगर हमारी मांग है, हमें लगता है कि सीबीआई की जांच जरूरी है, तो सभी को लगता है, हर एक उत्तराखंड वासी को लगता है कि सीबीआई की जांच जरूरी है, तो क्यों नहीं सीबीआई की जांच बिठा दी जा रही है? आप निश्चिंत रहे, आपकी इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना ये हम लोगों का फर्ज है, बिल्कुल आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल पीसी थपलियाल साहब जी, देखिए जो अभी व्यवस्था है यहाँ की, उसके आगे मुख्यमंत्री बहुत बौना पड़ता जा रहा है और यही कारण है कि उसने हिम्मत नहीं जुटाई विल्लास के कॉर्नर पकड़ने की और विल्लास का छोटा सा अदना सा केस सीबीआई को सौंपा। क्यों? उसकी ताकत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड की ताकत विल्लास से बहुत छोटी पड़ी, बहुत बौनी पड़ी, ये सच है। इसके आगे मैं बताता हूं कि आरवीएस रावत जी, जिनको कि अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस ने, हरीश रावत ने, अब वो आए आरएसएस में, पूरा मतलब 100 चूहे खाके बिल्ली हज करने गई और बन गए आरएसएस के पर्यावरण के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पर्यावरण। अब होता क्या है कि जब उन्होंने देखा कि शिकंजा मेरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि पहले अध्यक्ष थे, बड़ा विश्वास था कि पहले अध्यक्ष को फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करना था, उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए। अब वो बचने के लिए कभी महामहिम के पास जा रहे हैं, कभी अनिल बलूनी के पास जा रहे हैं, जब बचाव नहीं हुआ
तो उनको ये कहा गया कि तुम वहां चले जाओ और बोल देना कि मेरे पर हरीश रावत का दबाव था। अब हरीश रावत इस बात को समझ गए। अब हरीश रावत क्या कर रहे, डेली हमारे उसको थपथपा रहे हैं मुख्यमंत्री को। अब मुख्यमंत्री की गले आ गई कि क्या मुख्य, वो उसको प्रशंसा कर रहे, हाँ भाई वेरी गुड, धाकड़धामी कौन, हरीश रावत। अब इन तमाम सिचुएशन के आगे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वे कहीं भी न्याय संघ जो बात कर रहे हैं हमारे प्रवक्ता साहब, वो नहीं दे पा रहे हैं। वो मजबूरी है क्योंकि उनका संचालन दिल्ली से होता है। अगर वो यहाँ के जन नेता के रूप में मुख्यमंत्री होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और मैं केवल भाजपा को इसलिए दोषी ठहराता हूँ। आप जन नेता की बात कर रहे हैं, जनता ने ही चुना है थपलियाल साहब, जनता ने ही चुना है। जन नेता वो होता है जिसका जन तागे तो हरा दिया था खडमा से, भाजपा ने जिताया उसको वहां से। मतलब आप ही देखिए, जनता ने तो वहां से हरा दिया था। हम थपलियाल जी की बात का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, मैं थपलियाल साहब जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं जी। देखिए थपलियाल जी, आपकी शंकाओं को बिल्कुल, आप अपनी शंकाओं को बिल्कुल खत्म करने का प्रयास करिए। जिन युवा मुख्यमंत्री की यहाँ चर्चा हो रही है वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर एक जननायक के तौर पर ही उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके निर्णय ये साबित करते हैं। और जिस तरह से भी आपने हरीश रावत जी वाले प्रकरण की बात रखी, तो निश्चित तौर पर हरीश रावत जी को अपनी भूल का सुधार हुआ, क्योंकि उन्हें भी लगा कि भाई उन्हें भी मुगालती में रखकर कहीं ना कहीं उनसे चूक करवाई गई। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बड़े खुले मन से धामी जी की प्रशंसा करी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, तो उन्होंने ये अपनी इच्छा जताई कि इन कार्रवाइयों को जारी रखा जाए। तो उन्होंने तो अपने एक उस साफ मन का, बड़े मन का परिचय दिया कि जो चूक मेरे मुख्यमंत्री रहते मुझसे हो गई या मुझसे करवा दी गई, तो धामी जी उस तो उन्हें सजा दे उन आरोपियों को। तो उन्होंने काम करा बचने के लिए। निश्चित तौर पर अब आप उन्हें हरीश रावत जी को किसी भी एंगल से देखिए, लेकिन हम आपकी स्पष्टवादिता की भी प्रशंसा करते हैं कि आप उन राजनीतिक समीकरणों को और उन चीजों को आपने बेखूबी पहचाना, लेकिन आपको अपने जननायक को, युवा मुख्यमंत्री को, हमें इस चीज का भी भरोसा होना चाहिए कि प्रदेश को अगर एक युवा मुख्यमंत्री मिला है और वो अगर प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम तमाम उत्तराखंडी जो अपने उत्तराखंड को आगे ले जाने की इच्छा रखते हैं और उत्तराखंड को विकास के पटल पर देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये माननीय धामी जी बार बार कहते हैं कि 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में स्थापित किया जाएगा। तो हमें भरोसा भी होना चाहिए और हमें सहयोग की दृष्टि से भी साथ चलना चाहिए। हो सकता है कि धामी जी जो कह रहे हैं वो उससे दो कदम आगे बढ़कर आपको नतीजा दे दे और हमारा उत्तराखंड जो पिछले 20 वर्षों से जिस विकास की और जिस पायदान की और जो जिस प्रगति के पथ पर आगे जाने की बात जो रहा है, तो वो स्वप्न हमारे उत्तराखंड वासियों के साकार हो। हमें मात्र और मात्र भरोसा रखना होगा और भरोसे की दृष्टि से सात कदम बढ़ाना होगा। बिल्कुल, शीशपाल सिंह बिष्ट जी। जी विनय जी, देखिए जो यहाँ पर बात उठी कि हरीश रावत जी ने जो है धामी जी की प्रशंसा की, देखिए हरीश रावत जी ने नसीहत देने का काम किया। उन्होंने तंज कसा सरकार की कार्य प्रणाली पर, उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई अब हो रही है 5 साल पहले हो सकती थी, 5 साल पहले हो सकती थी, पिछली सरकार इनकी सोती रही, जीरो टॉलरेंस की सरकार ने इस राज्य को जीरो दिया और भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, बेरोजगारों की नौकरियां खाने का काम और बेचने का काम इनकी सरकार में हुआ, ये इस पर उंगली उठाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको समझना चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष की जो चौकीदार है लगातार इनके काले कारनामों को खोलने का काम कर रही है और लगातार जो है सड़क से लेकर के सदन तक हम इस आवाज को उठाते रहेंगे। हम हाई कोर्ट तक गए हैं इनके कालो कारनामों का चिट्ठा लेकर के। विनय जी, हम इनको बकसने वाले लोग नहीं है और आज बिल्कुल शीशपाल जी, बिल्कुल देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है कि मजबूती के साथ खड़े होकर आवाज उठाना और विपक्ष को काम करना चाहिए सत्ता से सवाल करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ देवभूमि के दंगल में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे थे जहां पर पशुपालन व कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा
कि हत्या की साजिश की जा रही थी और इस साजिश जेल में की गई, जिसको लेकर रकम भी दी गई और इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और इसको लेकर एक शूटर को गिरफ्तार भी किया गया है। और जहां पर मास्टरमाइंड कौन था ये अभी नहीं पता चला है, मास्टरमाइंड फरार है। और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है पुलिस महकमे की अगर बात की जाए, गृह विभाग की अगर बात की जाए, कि एक वेलविशर द्वारा ये सूचना उनको पता चलती है कि उनकी पीछे उनके सुरक्षा में एक सेंध लगाई जा रही है, एक साजिश रची जा रही है और जिसको लेकर पुलिस विभाग या गृह विभाग को नहीं पता है। ये सवाल खड़ा होता है कि वेलविशर को आखिर कैसे पता चली और पुलिस प्रशासन को कैसे नहीं पता चल पाया। आज देवभूमि के दंगल में इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी।